भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल हाल ही में उन्हें क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, जिसके चलते उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में मोहम्मद शमी यूपी के मुरादाबाद पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। मोहम्मद शमी के लिए जिला प्रशासन ने स्वागत कार्यक्रम कमिश्नर कार्यालय में रखा गया। यहां कमिश्नर और डाईजी मुरादाबाद मंडल समेत तमाम अधिकारी और गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी। तो वहीं इस मौके पर शमी ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को खेलों के प्रति मेहनत करने की अपील की। एक ही चीज जो हमें आगे ले जा सकती है, मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि आज का जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहना पसंद करता है, लेकिन ये एक ही चीज बोलूंगा कि अपना टैलेंट वेस्ट ना करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप उस पर फोकस करें, लॉयल्टी दिखाएं, तो मुझे लगता है कि आप अगर 100% में नहीं तो 95-90% तो आप सक्सेस होंगे, आप रिजल्ट कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है सारे यंगस्टर से, अपने टैलेंट को पहचानो और अपनी लॉयल्टी दिखाओ उस टैलेंट के प्रति, वो बहुत जरूरी है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग, हमारा कभी कभी हमारी फैमिली का भी डिसीजन गलत होता है कि हमारा टैलेंट किसी और डायरेक्शन में होता है, हमारी फैमिली कहीं और डायरेक्शन में पुश करती है, तो वो थोड़ा सा फैमिली को भी देखना चाहिए। तो अगर जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, मेरे लायक कोई चीज़ है इस मंडल में, इस जगह पर, इस धरती पर, तो मैं एनी टाइम तैयार हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, भाई से कॉन्टैक्ट करें। तो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ कि सपोर्ट कर सकता हूँ, स्किल बता सकता हूँ, मेंटली सपोर्ट कर सकता हूँ, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं वो बता सकता हूँ, लेकिन आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ कि आप लॉयल हो जाइए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। वहीं मोहम्मद शमी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी के पश्चिम हिस्से के कुछ जिलों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरी है कि युवा अपने अंदर टैलेंट को पहचाने और उसी पर काम करें। हमारे चार जीजी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें बहुत टैलेंट है, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं, इवन जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे अनलिमिटेड टैलेंट है। इतना ओवरऑल इंडिया में टैलेंट मैं समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से मानता हूँ इतने हमारे यूपी पर टैलेंट है। तो ये चीज़ हम लोगों को अपना टैलेंट यूटिलाइज करना चाहिए, हम लोगों को अपने टैलेंट को समझना चाहिए कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बोलना चाहूँ तो अमराहा, मुरादाबाद, इस जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें से आपने देखा होगा कि नेशनल बहुत लोग खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनल पर पुश होने के लिए हमें थोड़ी डिफिकल्टीज आई हैं, शायद माइंडसेट की कमी है, शायद थोड़ा सा कम रह गया। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, टैलेंट को पुश करें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शमी का आज मुरादाबाद मंडल के आयुक्त के कार्यालय में स्वागत किया गया। आपको बता दें, मोहम्मद शमी का विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन था, उसके बाद पूरे यूपी से नहीं पूरे देशों में उनका स्वागत हुआ है, जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इसी कड़ी में आज जनपद मुरादाबाद के कमिश्नरी ऑफिस में मोहम्मद शमी का स्वागत कमिश्नर सहित मुरादाबाद के कप्तान, मुरादाबाद के डीआईजी और अन्य जनपद के डीआईजी और डीएम ने भी स्वागत किया है। अपने सहयोगी मनोज कश्यप के साथ मैं सागर रस्तोगी, पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।